मेलको के बारे में समझना है कमल पुगलिया जी को। ये पूछ रहे हैं कि क्या इन स्तरों पर करंट लेवल्स पे खरीद करके दिवाली तक रखा जाए तो कैसा रहेगा, उसके लिए स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाए? हाँ जी, देखिए पहले भी बोल दिया है, डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर, मैं फिर कहता हूँ, मैं आपको कभी कोई चीज़ नहीं कह सकता कि भाई साहब जाइए ये खरीद लीजिए, इस लेवल पे जाइए खरीद लीजिए। मैं डेटा रीड करके आपको एजुकेट करता हूँ, आपकी एबिलिटी बढ़ाता हूँ कि आप डिसीजन ले पाए, फिर आप सुख शांति से अपना फैसला लीजिए। मेरी बातों पर मत जाइएगा, मेरी बातों से सिर्फ सीखने की कोशिश कीजिएगा, छोटा मोटा जितना मुझे समझ। ये नेल्को की बात कर लेते हैं। देखिए नेल्को में ऐसा है कि लार्जर स्ट्रक्चर नेगेटिव टर्न हो रहा है, हुआ नहीं है। मेरे सेंटेंसेस पे बहुत ध्यान दिया कि ये जल्दी जल्दी बहुत कुछ बोल रहा है। लार्जर स्ट्रक्चर वीकिश टर्न हो सकता है, फ्यूचर बेरिश दिख रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो क्या हो सकता है, 673 का जो लो आप पहले देख रहे होंगे ना, वही एक लास्ट इसका होप बचा हुआ है टूटने के लिए, क्योंकि उसके नीचे फॉल होगी शार्प। उसके नीचे फॉल शार्प इसलिए होगी, फ्यूचर बेरिश दिख रहा है। कब तक, जब तक अभी आपको 815 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, ये सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर ले चुका है, फ्यूचर बेरिश हो चुका है। फंडामेंटली मैं इसको एनालाइज नहीं करता हूँ, अब इतना काफी है समझने के लिए कि 815 के ऊपर में ही इसमें कोई पॉजिटिविटी आप फिर से मान सकते हैं, और जहां पे भी लेटेस्ट लो होगा उसके सपोर्ट के साथ। एंड 673 जो भी है लो, कितना एग्जैक्ट लो है देख लेते हैं, 670 का एग्जैक्ट लो है। उसके नीचे में वीकनेस ज्यादा परसिस्ट करेगी, और मेरे ख्याल से वो 10-15% वाली वीकनेस होगी। अनटिल देन थिंग्स आर फाइन, हंकी डोरी कंसोलिडेशन में रह सकता है, और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का आपको इंतजार करना जी, पड़ेगा। तो समय दिवाली तक का है, तो कोई ट्रेड बनता है या मतलब अभी जब नहीं, ये असमंजस है, डर भी है? नहीं, ये ट्रेडिंग के लिए है ही नहीं अभी। इसके स्ट्रक्चर बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसमें जी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही ट्रेड बनेगा।